सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल पावर पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जाने वाला हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये मैं अभी बता देता हूँ। अभी आप लोग को एक मिनट में एक चार्ट दिखेगा। ये चार्ट है मिस्टर फ्लेक्स व्हीलर का। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये बॉडी बिल्डर है। एंड जब मैंने सर्च किया गूगल पे टॉप 3 बॉडी बिल्डर्स हु हैव अ मैसिव एंड मस्कुलर शोल्डर, तो इनका नाम सबसे पहले आया था। तो मैंने सोचा कि आज इन्हीं का वर्कआउट ट्राई करेंगे हम लोग। सो इनका वर्कआउट में कुछ ऐसा है, दिक्कत थोड़ा होगा, मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ। स्मिथ मशीन शोल्डर प्रेसेस 4 सेट, 10 रेपिटेशन से 12 रेपिटेशन, 4 सेट भाई, और स्मिथ मशीन में। फिर बारबल फ्रंट रेजेस, सीटेड साइड लैटरल्स, वाइड ग्रिप अपराइट, मतलब ये बहुत, इनको अगर टर्म समझ में नहीं आ रहा कोई बड़ा बात नहीं है, जब मैं करूंगा तो मैं बताऊंगा भी कि ऐसे करना है ये वैसे करना है, मैं भी गूगल से देख के करूंगा, डोंट वरी। लाइन इंक्लाइंड रियर लैटरल्स, मतलब और सब भाई तीन चार ऐसे करके सेट्स में मैटर करेगा भाई। मेरे को लग रहा है आज आई एम गोइंग टू किल माय शोल्डर्स यार, क्योंकि देखो बड़ा बड़ा एलाइट लिफ्टर्स लोग का जब ऐसा कोई शेड्यूल होता है ना, तो ऑब्वियसली वो बहुत बहुत कुछ देख के, बहुत कुछ समझ के प्रोग्राम किया जाता है। चलो भाई आज देखते हैं हम कितना पुश कर पाते हैं मेरा एबिलिटीज को शोल्डर में कितना लिमिट अपना पुश कर पाते हैं। नहीं, वीडियो में आगे चेंज करते हैं। आज न्यू ही वेस्ट परचेज किया है तो उसी में आज करेंगे, देखना मजा आएगा। बने रहना वीडियो में आगे। एंड स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी इसमें भी जरूरी है, ठीक है? तो स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी करूंगा एंड उसके बाद जाऊंगा वहां पे। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Lord, give me a sign, a sign. तो सबसे पहला था जो आप लोगों ने देखा था स्मिथ मशीन वाला, कि क्या है ये वाला एक्सरसाइज। ये स्मिथ मशीन के साथ शोल्डर प्रेस है, अभी लोडेड है। अगर रॉड को 20 केजी के हिसाब से देखें, क्योंकि देखो स्मिथ मशीन का रॉड ज्यादा हेवी हो सकता है, तो अगर 20 केजी के हिसाब से देखें तो हमने 5-5 का प्लेट लगाया जो 30 हो जाता है, फिर उसके बाद 10-10 का प्लेट लगाया है जो 50 हो जाता है, एंड 2.5-2.5 का बीच में प्लेट है, दोनों के बीच में एक 2.5 का प्लेट भी है 2.5 का, तो 55 केजी अभी लोडेड है। एक नॉर्मल उसके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, अगर ये बारबल 20 किलो का होता तो, अब पता नहीं मेरे को बारबल कितना किलो का है। लेट्स परफॉर्म द सेट, 12 रेपिटेशन भाई। Waking up, every day's tough. I'm just hoping I can make it through the same stuff. Got a bad job, got no love. Feel so alone, feel so stuck. Gotta find something to look forward to. Anything to keep my mind off what I'm going through. But I don't know where to start, what's the first move. Maybe I just try a bunch of different things soon. Yeah, that could be the trick. 100 different things, I mean one has gotta stick. But how exactly do I pick? If I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it. Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money. Yeah, bhai. 4 सेट है भाई इसका, मेरा दूसरा सेट था, दूसरा सेट में भाई 5 सेट है, 4 सेट है, और यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए भी सही से बनेगा नहीं किसी को, तो सपोर्ट भी नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये आपने देखा स्मिथ मशीन, अब जब दूसरा एक्सरसाइज करूंगा तो दिखाऊंगा। तो भाई अभी हम लोग चलेंगे अपना सेकंड एक्सरसाइज पे, जो है बारबल फ्रंट रेजेस। नाम सुन के मेरा फट गया, क्योंकि हम बारबल फ्रंट रेजेस बहुत पहले किए थे एंड वो बहुत इंटेंस होता है मेरे लिए भाई, मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है बारबल फ्रंट रेजेस। मैं समझ रहा भाई स्ट्रेट बारबल लेकर तुमको ये करना है, एक तो वेट भी मेंशन नहीं किया, अलग फट रहा उसमें अभी पूरा। ये देख रहे हो, ये देखो पंप, देखो अभी पंप देखो, एंड अभी तो और करना बाकी है। तो पहला एक्सरसाइज था, 6 एक्सरसाइजेस है टोटल, किसी में 3 सेट है, किसी में 4 सेट है। ये बारबल फ्रंट रेज में 3 सेट का 12 रेपिटेशन का 3 सेट है, अभी ये परफॉर्म करने वाला हूं। करेंगे भाई, करना तो पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अपने पास। बाकी हाँ कमेंट में कर देना आज का आउटफिट कैसा लग रहा है, कमेंट कर देना आज का आउटफिट। दिस इज माय आउटफिट टुडे, दिख रहा होगा, बूट्स, ब्लैक बूट्स, ब्लैक ट्राउजर्स, ब्लैक वेस्ट। आई लव ब्लैक भाई, ब्लैक आई गेस बहुत उनका फेवरेट कलर है, मेरा भी उसमें से एक है, आज ही परचेज किया ना, तो ज्यादा एक्साइटिंग लगता भाई, कोई नया कपड़ा लेते हो तो अच्छा लगता है ना, कि नया एक्साइटिंग वाला फील आ रहा है भाई। तो बहुत बातें, अभी हम चलते हैं भाई, बात करके क्या होता है, थोड़ा ना मन डाइवर्ट कर रहा था कि हम वहां पर माइंड हट जाए, थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, बट जब करना तो पड़ेगा, सो चलो दिखाते हैं। तो अभी भाई स्टार्ट करेंगे, ये 10 किलो लोड किया हुआ है, लेट्स गो। But how exactly do I pick if I'm good at it, like a really good fit, or maybe passion is it? Something I could do every day, never miss. Something that I love that could feel like a gift. Forget about the money and just find what it is. Can I face this? Can I make it? I feel faith.
भाई बहुत ज्यादा इंटेंस चीज है भाई ये सब। दूसरा सेट था ये, दूसरा सेट में फट गया, तीसरा सेट भी सेम बेट से कंटिन्यू करेंगे, बट दो सेट वॉज लाइक हेक्टिक, देख रहा हट के निकल जाएगा। सो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा सीटेड लैटरल रेजेस। भाई उसका तीन सेट्स के बाद तो वैसे जवाब दे रहा है, बट कोई नहीं, विल डू इट फॉर यू। चार सेट है शायद, 12 रेपिटेशन का, छोड़ नहीं सकते, करेंगे साइड लैटरल रेजेस, ऐसे करके करना होता है, अभी देखना आप। मिलते हैं वीडियो में, थोड़ा सा आगे में गाना बजेगा, मस्त गाना बैकग्राउंड में चलेगा नेफेक्स का, और आप लोग इंजॉय करिएगा लिफ्ट्स, आई मीन ये वाला परफॉर्मेंस एक्सरसाइज। चलो wanna be the greatest, everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest, I make this, every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement, statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing, waiting for my day when I'm playing, sold out shows for 1,000 faces, ay, give me that crown, get in my way and you'll be put down, it ain't your place, no, this my town, if I want that shit then I'll get it right now, I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth, you choose to live or choose to dip. तो भाई मेरे को 10 या 12 रेपिटेशन से इस पे ना फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि इससे पहले मैंने एक सेट ले चुका था, तो अभी जब मैंने 20 रेपिटेशन किया ना तो बहुत ज्यादा हार्ड आया एज कम्पेयर टू 12 रेपिटेशन वाला। मैं आपसे अब क्या करूंगा कि जो 12 रेपिटेशन है उसको 15 ट्राई करूंगा, 15 रेप का 4 सेट, नहीं होगा तो ऑब्वियसली 12 पे आने पर मेरे पास लिमिटेशन तो है ना 12, मैं उसको क्रॉस करूंगा। ये थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस हो जाएगा, चैलेंजिंग होगा, तो लेट्स डू इट। तो अभी हम लोग चलेंगे अपराइट रोज पे, यहाँ पर स्ट्रेट ऐसे करके जो रॉड पुल करना होता है, 12 रेपिटेशन लगाना है, 10-10 किलो लोड कर दिए, तो देखना अभी मजा आएगा, लेट्स गो। लाइन लैटरल रेज करना है इसमें, तो इसीलिए इसमें कम वेट लेंगे 5 kg से, 12 रेपिटेशन उसमें लिखा हुआ है, हम कुछ करेंगे तो देखते हैं कितना रेपिटेशन इसमें। No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens, why pull back the curtain and you'll see the different vermin, we all have different burdens that all seem to cause disturbance, y'all do me a favor, don't treat me like a neighbor, don't need the different flavors of your problems just to savor, I've got my own issues, I need a comb to get through, don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. तो भाई अभी लास्ट आज का जो हम लोग का होने वाला एक्सरसाइज वो होगा श्रग्स। 60 kg लोड किया हुआ है, 300 रेपिटेशन, एक नहीं दो नहीं दस नहीं सेट्स में नहीं, 300 रेपिटेशन ऑल टोटल, एंड करूंगा परफॉर्म, कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट एक्सरसाइज है, इसको बेस्ट एक्सरसाइज बनाना है आज का। मेरा स्ट्रैप्स एक्चुअली गलती से हम छोड़ देते, वो गलती से हम परसों जिम में छोड़ देते, तो मेरे को भाई लेके चल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिम में एक स्ट्रैप रहता है ये वाला, तो आज इससे करूंगा, क्योंकि देखो यहां पर मर्लिंग ना क्लोज में है नहीं यार, मैं क्लोज पकड़ता हूं इतना, तो इस जगह के लिए मर्लिंग नहीं है, पूरा प्लेन है, तो वो छूट सकता है, इसीलिए मैं स्ट्रैप्स प्रेफर करता हूं ताकि छूट ना जाए मेरे से बार। वहां पर आदर्श अभी डेडलिफ्ट मार रहा है, इसी चक्कर में बार इसके पास है, तो अभी इसको डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, वो पावर लिफ्टिंग कर रहा है प्रॉपर, सो आई कैन नॉट डिस्टर्ब हिम। बाकी हम लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो अभी हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज देख लेना, एक ही सेट देखना, फिर लास्ट में मिलेंगे आप लोग को वीडियो में। Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? 30 रेपिटेशन आया भाई। अब हम क्या करेंगे कि 30 रेपिटेशन को इस सेट में डिवाइड कर देंगे, हर सेट आप 30 रेपिटेशन करके परफॉर्म करेंगे, जब तक 300 रेपिटेशन ऑल टोटल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं। भाई बहुत हेक्टिक है, बने रहना वीडियो में आगे। तो भाई वही तक था आज का वर्कआउट, नहीं भाई फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे, और पहले था कि हम फ्लेक्स भी कर पा रहे थे, अब फ्लेक्स नहीं होगा हमसे, बहुत ज्यादा हेक्टिक टाइप लग रहा है ये पोर्शन, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि कट गया है, मतलब ये भी नहीं कर पा रहे हैं। देखो बड़े बॉडी बिल्डर्स का अगर रूटीन फॉलो करोगे तो तुमको ये पेन के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। अगर प्रोटीन तुम्हारा टॉप नॉच है तो समवट वो जो पेन है वो घट सकता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं जाएगा।
मैं इसलिए भाई धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भाई पेन कर रहा है जगह पे, इसलिए नहीं, मेरे को पता है बहुत जन बोलेंगे कि भाई इंजरी है, वो वाला पेन नहीं है, ये मसल वाला पेन है जो हम लोग वर्कआउट के टाइम पे फील करते हैं। तो भाई एक सा नॉर्मल एक पंप देख लो, बाकी कल भी कुछ ऐसे ही अगर बॉडी बिल्डर्स के मैं वीडियो लाऊंगा। एंड जो बेल्ट का मैंने बताया था कि डिफरेंस वाला मैं बताऊंगा लीवर बेल्ट और हुक बेल्ट में, तो वो मैं डालूंगा मंडे को, ठीक है, मंडे तक का वेट कर लो। हैक एथलेटिक्स का बेल्ट है ये, मैं अभी बता दे रहा हूँ, हैक एथलेटिक्स जिन लोगों को नहीं पता हैक एथलेटिक्स एक कंपनी है, उसका बेल्ट है ये, मिलते हैं। एंड थैंक्स टू फ्लेक्स विलो आज के वीडियो के लिए, बिकॉज आज का रूटीन पूरा उनका था। बाकी मिलते हैं आप लोग ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।